भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक अर्पित पांडे का पदभार कार्यक्रम जिले के भाजपा कार्यालय में किया गया, जहां बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने शहर में भव्य रैली के माध्यम से अर्पित पांडे को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में अर्पित पांडे की मांग पर नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने स्थान सुनिश्चित करके भारत माता का भव्य मंदिर बनाने का आश्वासन दिया। गत कई वर्षों से शहर के लोगों की इच्छा थी कि अन्य शहरों की भांति सागर शहर में भी भारत माता का भव्य मंदिर होना चाहिए। भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ प्रदेश सह संयोजक अर्पित पांडे ने बताया कि इस मंदिर में भारत की विभिन्न संस्कृतियों के साथ अखंड भारत के बारे में भी लोगों को जानने का मौका मिलेगा। सदस्य संयोजक अरविंद पांडे भी अपने समर्थकों के साथ रैली के रूप में भाजपा कार्यालय पहुंचे, जिसमें विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान मुख्य अतिथि द्वारा किया गया। इसमें भाजपा जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया सहित जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुख्य रूप से आदित्य दुबे, सचिन चौरसिया, प्रशांत देवलिया, ललित चौबे, कपिल उपाध्याय, गोलू मेहरौलिया, राहुल वैद्य, नितिन सोनी, नितिन साहू, वैभव यादव, कुलदीप खटीक, निखिल अहिरवार, नीरज चौरसिया, खड़क सिंह ठाकुर, राजदीप ठाकुर, दीपक दुबे, भारतेंदु मोंटू राजपूत, पुष्पेंद्र मिश्रा, मोनू देवलिया, विशाल खटीक, धर्मेंद्र कुशवाहा, नेपाल सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सिंथिल पडेले ने किया एवं आभार चंद्रमान लोधी ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर खबर 24। मैं आपसे न सिर्फ अपनी तरफ से बल्कि यहाँ बैठे जितने राष्ट्रवादी हमारे कार्यकर्ता हैं, मेरी आपसे ऐसी आशा है और विश्वास है कि आप उसे पूर्ण करेंगे। अभी हमारा सागर नगर जो है अपने विकास के सोपानों पर है, नित नए काम, नित नए विकास कार्य हो रहे हैं। मेरी आप सब आपसे ऐसी आशा और ऐसा निवेदन है कि एक भारत माता का मंदिर हमारे सागर में भी होना चाहिए। मैं आप सबसे सागर में बने भव्य मंदिर बने, ये बनाने के लिए जितना भी पैसा लगेगा हमारा विभाग वो पैसा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जगह तय करके और जल्दी भारत माता मंदिर के निर्माण के काम की शुरुआत हम सब लोग मिलकर करेंगे। मुझे चूंकि भोपाल जाना है इसलिए